दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो की शुरुआत मैं शोले फिल्म के गब्बर के एक डायलॉग के साथ करना चाहता हूं, जिसमें गब्बर ने कहा था, तेरा क्या होगा कालिया। और ऐसा ही क्वेश्चन आज की डेट में घूम रहा है, तेरा क्या होगा पेटीएम। पेटीएम का जो हश्र हमने इन दिनों देखा सर, हो सकता है आपको हश्र वर्ड पर आपत्ति हो, कि किस प्रकार पेटीएम का जो एक प्रेवलेंस था, एक पेटीएम पेटीएम, आप किसी भी दुकान पे चले जाएं आपको कोई ना कोई पेटीएम के फॉर्मेट में एक यूपीआई लगा मिलेगा, पेटीएम मशीन मिलेगी, और चाहे आप किसी भी और प्लेटफॉर्म को यूज करते हो ऑनलाइन पेमेंट करें, परंतु लोग बोलते ही ये हैं आज की डेट में कि पेटीएम कर दे, अगर पैसे नहीं है हाथ में, कैश नहीं है तो पेटीएम कर दे। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया दोस्तों कि इज इट पेटीएम मत करो क्या? अब जो वर्तमान में हलचल चल रही है उसका अभिप्राय हम ये लगा लें कि अब पेटीएम नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भारत की वर्तमान इकोनॉमी जो अगर $3 trillion एक्सीड करी है, तो इसमें यूपीआई पेमेंट्स का बहुत बड़ा स्कोप है, और यूपीआई पेमेंट्स ने इस इकोनॉमी को इस लेवल तक रिकॉग्नाइज होने में एक बहुत बड़ी महत्ता दी। हाँ, ये बात अलग है कि परसिस्टेंट रेगुलेटरी इश्यूज शायद यूपीआई के साथ में या पर्टिकुलरली पेटीएम के साथ में चले हैं, जिसकी वजह से आज पेटीएम को यह नौबत देखने को मिली। तो आइए दोस्तों, अपनी छोटी सी समझ से मैं आपके सामने पेटीएम को या पेटीएम की कहानी को जो आज तक मुझे दिखाई देती है रखने की कोशिश करता हूं, और हो सकता है आप और मैं इस बात को समझ करके फिर किसी अगले कंक्लूजन की ओर बढ़ सके। तो चलिए आगे लिए चलता हूं। तो दोस्तों, आप अगर पेटीएम पर सर्च करने लगेंगे तो आपको ऑनलाइन बहुत डेटा मिलेगा, और मैं भी पढ़ता ही रहता हूं क्योंकि थोड़ी जिज्ञासा रहती है। फिर भी मुझे लगा कि एक ऑडियो विजुअल के थ्रू अगर जनता तक पहुंचे और जनता को थोड़ा इस विषय में अवेयर करें तो उन्हें पता चले कि ये कहानी क्या है। पेटीएम एक तरीके का पेमेंट बैंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और ये जो पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट था इंडिया में, ये 2015 से आया। अब एक पेमेंट बैंक क्या होता है जरा कॉन्सेप्चुअली समझे, कि वैसे तो हम कॉमर्शियल बैंक को समझते हैं, कोऑपरेटिव बैंक को समझते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, इसी प्रकार दोस्तों आरबीआई ने, भारत सरकार ने अप्रूव किया पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट। एक पेमेंट बैंक क्या हो सकता है? तो बोला गया साहब, अ पेमेंट बैंक मींस व्हिच मे एक्सेप्ट स्मॉल डिपॉजिट्स ऑफ अप टू 2 lakh एंड इट हैज टू पार्क द डिपॉजिट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और विद अदर बैंक्स। यानी जैसे हम नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो पेमेंट बैंक के पास में 2 lakh रुपए तक की डिपॉजिट्स लेने का ऑप्शन, और उसको जो भी पैसा आपसे आएगा वो सब उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या दूसरे बैंकों के पास रखना, यानी आपका पैसा मोस्ट सेफ है। अगली बार पेटीएम पेमेंट बैंक इज अ स्पेशल बैंकिंग एंटिटी विच गॉट लाइसेंस ऑफ पेमेंट बैंक इन 2015 एंड स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2017। तो भारत में पेटीएम पेमेंट बैंक ये संस्था शुरू हुई 2017 में अपने ऑपरेशन को लेकर। अब पेटीएम पेमेंट बैंक का आप थोड़ा सा स्वामित्व यानी ओनरशिप स्ट्रक्चर समझिए, कि इसमें 49% इक्विटी होल्ड करती है 197 कम्युनिकेशन, जिसको हम वास्तव में पेटीएम के नाम से जानते हैं, वो है 197 कम्युनिकेशन, क्योंकि 197 कम्युनिकेशन के पास में पेटीएम ब्रांड का ट्रेडमार्क है, वो उसकी ऑनर है, और उसी ऑनर ने परमिट किया होगा पेटीएम पेमेंट बैंक को पेटीएम का नाम यूज करने के लिए। अब ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, जिसे आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला दोस्तों, इसकी 49% इक्विटी तो है 197 कम्युनिकेशन के पास, जो आज की डेट में एक लिस्टेड कंपनी है। हालांकि इस लिस्टेड कंपनी में भी निवेशकों को ज्यादातर घाटा ही लगा है शुरुआती दिन से, और 51% पूंजी पेटीएम पेमेंट बैंक की है दोस्तों, उनके पेटीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर विजय शंकर शर्मा के पास में। अब 49% का एक शेयर होल्डर और 51% का बैलेंस शेयर होल्डर। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ये जो बनाया गया, ये बेसिकली जो पेटीएम है या 197 कम्युनिकेशन है, ये इसका बैंकिंग पार्टनर है। यानी जब आप पेटीएम में कोई पैसा रखते हैं तो पेटीएम उस पैसे को एक तरीके से आपका एक अकाउंट खुलवाती है पेटीएम पेमेंट बैंक में, और वहां पर वो पैसा वॉलेट में पड़ा होता है।
तो वो पैसे का ट्रांजेक्शन जब जब आपको जरूरत पड़ती है आना या जाना, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के प्लेटफॉर्म पर होता है जब आप पेटीएम में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। ये प्राइमा फिसाई अंडरस्टैंडिंग हम यहां बना सकते हैं। फैक्ट्स पर ही कुछ और बात करता हूं दोस्तों। एज ऑन डेट, आज की डेट में पेटीएम पेमेंट बैंक लगभग 3 करोड़ 30 लाख वॉलेट अकाउंट्स होल्ड करता है, यानी इतनी बड़ी संख्या में वॉलेट अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक के पास में ऑलरेडी खुल गए। ऑन 31 जनवरी 2024 आरबीआई, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, जो भारत में पूरी वित्तीय व्यवस्था का अनुशासन करता है, बैंकिंग व्यवस्था का, एनबीएफसी का, सेड दैट पेटीएम कांट टेक डिपॉजिट्स, पेटीएम पेमेंट बैंक कांट टेक डिपॉजिट, ऑफर क्रेडिट सर्विसेज और फैसिलिटेट फंड ट्रांसफर पोस्ट Feb 29, 2024। ये एक तरीके का बैन दोस्तों आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक पर लागू करने की बात कर दी कि 29 फरवरी 2024 के पश्चात, यानी 1 मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट बैंक ना तो डिपॉजिट ले पाएगा, ना क्रेडिट सर्विस दे पाएगा और ना ही फंड ट्रांसफर की सुविधा देगा। दिस मीन्स अ बैन बीइंग इम्पोज्ड ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक ऑन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, टॉप अप्स टू द पेटीएम पेमेंट बैंक एंड अदर लिंक सर्विसेज। दिस एक्शन इज टेकन अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये जो कदम आरबीआई ने दोस्तों उठाया है, उसकी पावर आरबीआई को मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। इन 2018, अब कुछ और पृष्ठभूमि में क्या क्या हुआ आपके समक्ष रखता हूं। इन 2018 आरबीआई टेम्परेली हॉल्टेड ओपनिंग ऑफ न्यू बैंक अकाउंट्स इन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ड्यू टू वायलेशन ऑफ लाइसेंसिंग कंडीशन एज वेल एज केवाईसी नॉन कम्प्लायंस। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको यह मिलेगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर समय समय पर केवाईसी नॉन कंप्लायंस की नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस या बहुत से रिमार्क्स आरबीआई की ओर से जारी हुए हैं। अब आप समझें कि केवाईसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक संस्था के अस्तित्व पर संकट आ गया। मान लीजिए मेरे नाम से खाता खुलता है तो मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड उसके साथ लिंक होना चाहिए। अब अगर मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड उसके साथ लिंक नहीं है तो प्राइमा फेसाई मेरे नाम का जो खाता है उसमें केवाईसी की नॉन कंप्लायंस मानी जाएगी। यदि इस तरीके के खाते बहुतायत में खुलते हैं दोस्तों, तो आप उसे ये माने कि इस तरीके के खाते होना बैंकिंग सिस्टम के लिए और ओवरऑल कंट्री के लिए गलत है। क्यों? क्योंकि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं बढ़ती हैं, ऐसा व्यवस्था मानती है, ऐसा आरबीआई मानती है या ऐसा भारत सरकार भी मानती है। अब आरबीआई ने पेटीएम पर इन पास्ट टेम्परेली नए बैंक अकाउंट खोलने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक तरीके का बैन लगाया था। क्यों? क्योंकि आरबीआई को डाउट था कि यहां केवाईसी की नॉन कंप्लायंस हो रही। दोस्तों 2021 में आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी पेटीएम पेमेंट बैंक पर फॉर सबमिटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मार्च 2022 में भी पेटीएम पेमेंट बैंक को रेस्ट्रिक्ट किया था कस्टमर ऐड करने से, और अक्टूबर 2023 में दोस्तों आरबीआई ने फिर एक पेनल्टी लगाई लगभग 5 करोड़ 39 लाख की पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड फॉर कंटिन्यूड केवाईसी नॉन कंप्लायंस। यानी जो मुझे लगता है वो ये है कि आरबीआई की नाराजगी यूं ही नहीं बनी, पेटीएम लगातार आरबीआई के रडार पर आता गया क्योंकि उन्होंने केवाईसी नॉन कंप्लायंस की। और यहां जब मैं पेटीएम बोल रहा हूं तो प्राइमा फिसाई पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि बैन पेटीएम पर नहीं लगा है, बैन लगा है पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो एक तरीके का वॉलेट अकाउंट है। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि आरबीआई ने क्या केवल इसी आधार पर ये पर्टिकुलर बैन लगा दिया या कोई और भी चीज कहानी में छुपी है? आरबीआई ने दोस्तों जिस प्रकार से अपने रिमार्क्स दिए इस बैन को लागू करते समय, वो बहुत ही संक्षिप्त रिमार्क्स हैं, उससे जनता जनार्दन को पूरा माजरा समझ में नहीं आता। तो देखिए आरबीआई ने क्या कहा, व्हाट आरबीआई सेड व्हाइल बैनिंग पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई ने रिमार्क्स किए परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंसेस एंड कंटिन्यूड मेटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स इन द बैंक, यानी पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने ये रिमार्क्स करके उन्हें कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद में आप अपने बैंकिंग ऑपरेशंस प्राइमा फेसाई नहीं कर पाएंगे, हमने बैन कर दिया। अब जनता को सर केवल इतने से स्टेटमेंट से, जो कि बहुत कैटेगोरिकली प्रोफेशनली दिया गया है, उससे पूरी बात, पूरा माजरा समझ में नहीं आया।
मुझे लगता है सर, क्योंकि ये एक सिस्टम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या फेलियर होने जा रहा है या फेलियर हुआ है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल में लीकेज हुए हैं, चाहे पेटीएम पेमेंट बैंक से हुए हैं या आरबीआई द्वारा लगातार नॉन कंप्लायंसेस पाए जाने की वजह से ऐसा हुआ है। पर जनता को और सच्चाई सामने आनी चाहिए ऐसा मैं मानता हूं, ताकि जनता समझे कि गड़बड़ी कैसे होती है और फिर जनता उस गड़बड़ी पर अपनी नजर भी डेवलप कर सके। थोड़ा सा पेटीएम की भी बात सुनते हैं साहब, कि इतना उनके विरुद्ध हो रहा है तो पेटीएम भी तो कुछ कह रहा होगा कि साहब क्या है हमारे साथ में, या माजरा क्या है, आपको कितनी चिंता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले विजय शंकर शर्मा जी, जो कि पेटीएम के सीईओ हैं और पेटीएम पेमेंट बैंक में लार्जर होल्डिंग 51% उनकी है, लिस्टेड कंपनी की केवल 49% है, तो नेचुरली उनकी तो पूरी सत्ता हिलती है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा एक्स पर, टू एवरी पेटीएमर, योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फेब एज यूजल। आई विथ एवरी पेटीएम टीम मेंबर सैल्यूट यू फॉर योर रिलेंटलेस सपोर्ट। फॉर एवरी चैलेंज देर इज अ सॉल्यूशन एंड वी आर सिंसियरली कमिटेड टू सर्व आर नेशन इन फुल कंप्लायंस। इंडिया विल कीप विनिंग ग्लोबल एक्लेड्स इन पेमेंट इनोवेशन एंड इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज विथ पेटीएम करो एज द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ इट। सो अब मुझे ध्यान आ रहा है दोस्तों कि हाँ, पेटीएम करो, ये बड़ी सुरीली धुन चलती है। अब ये सुरीली धुन आगे चलती रहे तो जो विजय शंकर शर्मा जी हैं वो कह रहे हैं आप चिंता मत करो, ये धुन आगे चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके समक्ष ये बात रखता हूं कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो पेटीएम ब्रांड के ट्रेडमार्क की ऑनर है, उसने 1 फरवरी 2024 को, 31 जनवरी आरबीआई ने बोला, 1 जनवरी 2024 को उन्होंने तुरंत बीएसई एनएसई के अंदर अपना क्लेरिफिकेशन दाखिल किया। ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कहानी को और समझने के लिए कि कंपनी अब क्या पक्ष रख रही है। तो अभी हमने सीईओ का पक्ष देखा, अब पक्ष समझते हैं कंपनी क्या कह रही है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीबीएल एंड एसोसिएट, ये एसोसिएट है सर, सब्सिडरी नहीं है। सब्सिडरी होगी मोर देन 50%, पर इसलिए वो एसोसिएट है ओसीएल की। ओसीएल कौन? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की एसोसिएट है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। ओके, सो एन एसोसिएट ऑफ ओसीएल रिसीव्स आरबीआई डायरेक्शन ओसीएल टू एक्सपांड इट्स एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद लीडिंग थर्ड पार्टी बैंक, डिस्ट्रीब्यूट पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट। तो पेटीएम या 197 कम्युनिकेशन ये कह रही है एनएससी बीएससी में कागज दाखिल करके कि सब हम अपना जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो थर्ड पार्टी बैंक के साथ में व्यापक करेंगे, ताकि हम पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर सके और फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट बेच सके या जारी कर सके। द कंपनी दैट इज ओसीएल वुड लाइक टू अपडेट दैट इट हैज बीन इन्फॉर्म बाय इट्स एसोसिएट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाइड इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 31 जनवरी 2024 हैज गिवन इट फर्दर डायरेक्शन अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। PPBL is taking immediate step to comply with RBI direction, including working with the regulator to address their concern as quickly as possible. तो कंपनी कह रही है साहब कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड आरबीआई से अपने स्तर पर उनके डायरेक्शन के अनुरूप उनके जो कंसर्न है उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। फर्दर ओसीएल कहती है द कंपनी हैज बीन इन्फॉर्म दैट इट डज नॉट इम्पैक्ट, दिस डज नॉट इम्पैक्ट यूजर डिपॉजिट्स इन देयर सेविंग अकाउंट, वॉलेट फास्टैग एंड एनसीएमसी अकाउंट वेयर दे कैन कंटिन्यू टू यूज द एग्जिस्टिंग बैलेंसेस। तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक में भी पड़ा है, उसके यूजेज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये बात भी ओसीएल मानती है। और देखिए दोस्तों क्या कहा इस लेटर में ओसीएल, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एज अ पेमेंट कंपनी वर्क्स विद वेरियस बैंक नॉट जस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक। तो कंपनी का तर्क है कि साहब हम केवल पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं काम करते, आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ किसी और बैंक से, कोई प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू बैंक का भी प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ मैप होता है, ऐसा वो कह रहे हैं पेमेंट कंपनी के रूप में। ऑन वेरियस पेमेंट प्रोडक्ट ओसीएल स्टार्टेड टू वर्क विद अदर बैंक सिंस स्टार्टिंग विद द एम्बार्गो, वी नाउ विल एक्सेलरेट द प्लान एंड कंप्लीटली मूव टू अदर बैंक पार्टनर। तो पेटीएम ये कह रही है, यानी ओसीएल ये कह रही है कि हम पेटीएम पेमेंट बैंक के अलावा अब दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर मूव करेंगे ताकि समस्या जनता की ना हो। गोइंग फॉरवर्ड ओसीएल विल बी वर्किंग ओनली विद अदर बैंकर्स, नॉट विद द पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड।
द नेक्स्ट फेज ऑफ ओसीएल जर्नी इज टू कंटिन्यू टू एक्सपांड इट्स पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस ओनली इन पार्टनरशिप विद अदर बैंक. तो प्राइम एफएसआई ओसीएल भी ये मानती है कि अब वो दूसरे बैंकों के साथ, थर्ड पार्टी बैंकों के साथ में अपने पेमेंट कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वॉलेट्स हैं, उनको लिंक करके काम करेगी. वी ऑफर एक्वायरिंग सर्विसेज टू द मर्चेंट इन पार्टनरशिप विद सेवरल लीडिंग बैंक इन द कंट्री एंड विल कंटिन्यू टू एक्सपांड थर्ड पार्टी बैंक पार्टनरशिप. द पेटीएम पेमेंट गेटवे बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑफर पेमेंट सॉल्यूशन टू इट्स एग्जिस्टिंग मर्चेंट. यानी इससे ये लगता है कि सब पेटीएम खत्म तो नहीं होने जा रहा है. हाँ, पेटीएम पेमेंट बैंक जो एक कंपनी है वो खत्म होने जा रही है ऐसा दिखता है. यहां पर कुछ और क्लैरिफिकेशन दोस्तों जो कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने दिए हैं वो भी मैं पढ़ देता हूं. ओसीएल विल परस्यू पार्टनरशिप विद वेरियस अदर बैंक टू ऑफर पेमेंट प्रोडक्ट ऑफ इट्स कस्टमर टू इट्स कस्टमर. ओसीएल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सच ए लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटी ब्रोकिंग आर नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी अनइफेक्टेड बाय दिस डायरेक्शन. डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ रेजोल्यूशन कंपनी एक्सपेक्ट्स दिस एक्शन विल हैव वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ ₹300 to ₹500 crores ऑन इट्स एनुअल EBITDA. ये बात जरूरी है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे के लिए, जिसने शेयर खरीद रखे हो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के, जो भैया मेरे पैसे का क्या होगा, क्योंकि मैंने भी तो कंपनी में पैसे लगाए, आज तक तो आईपीओ वाले ही रिकवर नहीं हुए और अब तो वापस से मार्केट उल्टा आ गया. तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत खतरनाक है. और मैं यहाँ क्योंकि शेयर मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं तो उस तरीके का कोई इंडिकेशन आपको नहीं दे रहा कि शेयर का क्या होने वाला है, उस पर भी आगे चर्चा करूंगा. अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो आपके दिमाग में आ रहे हैं पेटीएम से रिलेटेड वो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं. तो मैं भी जनता जनार्दन ही हूं और जनता के बीच में बैठकर जनता के ही क्वेश्चन करता हूं और जनता के तरीके से उनका आंसर ढूंढता हूं. वेदर मनी लाइंग इन पेटीएम वॉलेट कैन बी ट्रांसफर टू अदर बैंक थ्रू यूपीआई आईएमपीएस. मेरी ओपिनियन में यस सर, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है आप उसे दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. इसमें कोई आपत्ति या कोई तरीके का स्टॉप होना आज की डेट में ऐसा कोई एक्शन आरबीआई ने नहीं लिया. इज देयर अ ट्रांसफर लिमिट, ये क्वेश्चन मेरे पास आया तो मैं जो ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग से अपना समझा पढ़ाई करके, ₹25,000 पर ट्रांजेक्शन एंड ₹1,00,000 पर डे फ्रॉम पेटीएम वॉलेट टू द वॉलेट टू द अदर बैंक. क्या आप अगर पेटीएम वॉलेट से किसी दूसरे बैंक में पैसे ले जा रहे हैं तो पर ट्रांजेक्शन 25,000 और ₹1,00,000 पर डे की लिमिट है. Can Paytm wallet be used even after 29th of Feb 2024? तो देखिए दो चीजें हैं दोस्तों. आपका Paytm wallet अगर किसी थर्ड पार्टी बैंक अदर देन Paytm पेमेंट बैंक लिमिटेड से जुड़ा है तो वो 29 फरवरी 2024 के बाद काम करता रहेगा. इवन ये भी क्लैरिटी मार्केट में है कि अगर आपके Paytm पेमेंट बैंक के वॉलेट में भी 29 फरवरी 2024 के बाद पैसा पड़ा है तो वो पैसा से जो आप फास्टैग की सर्विसेज यूज करते हैं या और कोई सर्विसेज जो पेटीएम के प्लेटफॉर्म से आपको मिलती है वो मिलती रहेगी. कैन देयर बी लिक्विडिटी क्रंच एट पेटीएम पेमेंट बैंक? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कहीं पेटीएम में लाइन नहीं लग जाए. साहब बैंक के बाहर लाइन लगाना संभव है क्योंकि आपको बैंक का ऑफिस पता है, पेटीएम का तो ऑफिस ही नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा और हर शहर में नहीं होगा. तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लाइन लगेगी ऐसा प्राइम एफएसआई में नहीं मानता जब तक उन्होंने ये कंप्लायंस करी है कि आरबीआई के डायरेक्शन पर उन्होंने लिक्विड फॉर्मेट में उस पैसे को रखा है या दूसरे बैंकों के पास रखा है. तो मुझे नहीं लगता कि लिक्विडिटी क्रंच वाली प्रॉब्लम आने वाली. व्हाट अबाउट शेयर्स ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड? इसका तो उत्तर मैं भी ढूंढ रहा हूं. बहुत शेयर में गिरावट आ गई, फिर कुछ संभला है, अब जाकर 400-450 के बीच इधर उधर धक्के खा रहा है. अभी कोई भविष्य का पता नहीं है कि इससे नीचे भी गिर जाए या हो सकता है कोई अंबानी जी जैसे बड़े निवेशक आ जाएं और पेटीएम फिर आगे भाग जाए. तो मैं अभी इस विषय में कोई फाइनल टच आपको नहीं दे सकता. एज पर कंपनी डिक्लेरेशन इट एक्सपेक्ट्स ₹300 to ₹500 crore इफेक्ट ऑन इट्स एनुअल अर्निंग. ये बात मैंने पहले भी रखी. 300 से 500 करोड़ रुपए दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है जो कहीं ना कहीं मुझे शेयर की वैल्यू के साथ में भी अलाइन होने का इंडिकेशन दे रहा है कि इतना बड़ा नुकसान होने वाला है इस कंपनी में. व्हाट अबाउट अदर पेमेंट सर्विसेज लाइक पेटीएम वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक्सेट्रा? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज वहां एक क्लैरिटी है कि ये सेवाएं इसके बावजूद जितना बैलेंस पड़ा है 29 फरवरी के बाद उस बैलेंस का यूजेज हो सकता है. तो आपको आपाधापी प्राइमा फिजाई नहीं करें. How to transfer money lying in Paytm payment bank to other bank?
मैं इस क्वेश्चन को भी जनता जनार्दन के लिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि साहब इसका भी एक हल है, एक प्रक्रिया है कि आप अपना पेटीएम ऐप ओपन करें, लॉग इन टू योर फोन नंबर एंड सिलेक्ट बैंकिंग एंड पेमेंट ऑप्शन, सेलेक्ट टू द बैंक अकाउंट आप किस बैंक अकाउंट में पैसा लेना चाहते हैं, फिर सेलेक्ट करिए योर बैंक अकाउंट एंड एंटर द अमाउंट, और फिर सेलेक्ट करें पेटीएम पेमेंट बैंक एंड ऑथेंटिकेट द ट्रांजेक्शन यूजिंग पिन कोड। इस प्रकार आपका पैसा दूसरे बैंक में भी जो पेटीएम वॉलेट पे पड़ा है ट्रांसफर हो जाएगा। मोर लेटेस्ट अपडेट, कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मुझे और मिले वो भी मैं आपके समक्ष रखता हूं कि ऑन 2 फेब ब्लूमबर्ग रिपोर्ट स्टेटेड दैट आरबीआई इज ऑल्सो कंसिडरिंग कैंसलिंग ऑपरेटिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये कुछ चिंता की खबर लगती है। मेक माई ट्रिप, पॉलिसी बाजार एंड 10 अदर एंटिटीज हैव रोट अ लेटर टू द आरबीआई दैट इट्स क्रैक डाउन ऑन डिजिटल पेमेंट फॉर्म पेटीएम बैंक विल हर्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर, दस आरबीआई शुड रिकंसिडर इट्स डिसीजन ऑन पेटीएम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में पेटीएम एक लीडर के रूप में उभर करके आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक प्रकार का बैन लगाने जा रही है, तो भारत की जो एक बढ़ती इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का ब्रेक लगाने जैसा है, ब्रेकर लाने जैसा है। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आरबीआई का एक्शन गलत है या सही है, परंतु आरबीआई का एक्शन गलत तो नहीं इसलिए हो सकता क्योंकि आरबीआई पिछले समय में पेनल्टी लगा रही है, उनको बार बार कह रही है कि साहब आप केवाईसी कंप्लायंस करिए। अब केवाईसी कंप्लायंस में कुछ घपला जरूर हुआ है ऐसा मेरे को लगता है, हालांकि मैं ये बात अथॉरिटी से नहीं कह सकता, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। घपले का मतलब आप ये मत मानिए यहाँ कोई घोटाला है, घपले का मतलब है गलतियां। अगर कोई प्रकार की गलती है दोस्तों तो वो गलती सुधरनी चाहिए, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उसको अब भूला नहीं कहते। तो मुझे लगता है कि ये भूला शाम को घर आएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, बनस्पत भूले को खत्म कर दिया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पेटीएम क्लेम्स टू बी इन टॉक विद आरबीआई, पेटीएम कह रही है साहब कि हम आरबीआई से चर्चा में हैं कि सर कैसे इस 29 फरवरी से डेट बढ़ाई जाए या हमारे को इस प्रकार से हत्या ना की जाए। ईडी इज ऑल्सो प्रोबिंग इन टू एनी काइंड ऑफ फेमा एंड अदर नॉन कंप्लायंसेज बाय पेटीएम बैंक। आज की डेट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय कितना पावरफुल है भारत में, आपसे मेरे से छुपा नहीं है। और ईडी का काम है सर कि कहीं पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ हो, चाहे विदेशों के संदर्भ में चाहे इंडिया में, उसे सरफेस पे लाना। ईडी भी अपने तौर पर आरबीआई के साथ या अदरवाइज भी पेटीएम से इंक्वायरी करके फीमा संबंधी नॉन कंप्लायंसेस की जांच की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द कंपनी इज लुकिंग टू सेल ओसीएल इट्स वॉलेट बिजनेस एंड एचडीएफसी बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आर द फ्रंट रनर्स टू एक्वायर। आई डोंट नो वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक और नॉट, मैं केवल दोस्तों जो ऑनलाइन पढ़ सका हूं अपना समराइज कर सका हूं आपके लिए, ये चीजें ऐसी ही होगी ऐसा मैं नहीं मानता। मैं डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी मानता हूं कि मेरे जैसे छोटे से किसी प्रोफेशनल को अगर किसी बड़ी कंपनी ने केस करके अंदर कर दिया तो साहब मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, वो मेरा डर कॉमन है, लेकिन मेरा ये डर जनता की अपेक्षाओं से कम है। जनता की अपेक्षाएं हैं कि उन्हें कोई चीज क्लैरिटी के साथ में मिले, तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैं क्योंकि खुद को जनता का सेवक मानता हूं तो जनता को क्लैरिटी देने के लिए एक व्यू डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यू आपको स्वयं अपनी मेरिट्स पर क्लियर करना है कि मेरा व्यू से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, और आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि घटनाक्रम किस प्रकार चलता है। अंत में दोस्तों मैं ये मानता हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में जो ये घटना हुई ये एक परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस का उदाहरण लगता है, पर खोजी जाने वाली बात, जानी जाने वाली बात ये भी है कि इतनी परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस लगातार यदि कोई कंपनी करती है तो क्या उसको खत्म कर देना ही एक उपाय है, या जहां एक बैंक खत्म होता है इन पास्ट आरबीआई ने उसे दूसरे बैंक में भी मर्ज किया है, तो क्या ऐसा भी कोई समाधान हो सकता था। और एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यहां पर छेड़कर जा रहा हूं क्या, कि भारत में जैसे अगर सेबी कोई ऑर्डर पास करती है तो उस पर अपील का प्रावधान है, कुछ और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जिनमें अपील का प्रावधान है, परंतु आरबीआई यदि कोई डिसीजन लेती है तो वहां पर कोई अपील का प्रावधान जैसी बात नहीं। हो सकता है आरबीआई की ये इंपॉर्टेंस है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में आरबीआई का ये रोल शायद होना चाहिए, मैं मना नहीं करता, पर मुझे लगता है सर कि कोई भी व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो उस पर सामने वाली एग्री पार्टी को एक बार के लिए अपील का अधिकार होना चाहिए।
तो हो सकता है इस विषय में कोई अपीलेट रेमेडी भी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पास में आने वाले समय में अगर होती ऑलरेडी तो वो उसको अवेल करते, पर नहीं है तो क्या ये एक बहस नहीं छिड़ जाती कि आरबीआई के किसी निर्णय के विरुद्ध? हो सकता है आरबीआई भी तो सर एक संस्था ही है और उस संस्था में भी तो कुछ व्यक्ति ही बैठे आपके मेरे जैसे जो संस्था को चला रहे हैं। मैं उनकी विजडम पर अटैक नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूं सर अगर आरबीआई ने कोई डिसीजन लिया है तो हो सकता है वहां पर भी ये बात आती हो कि आरबीआई के डिसीजन पर क्या कोई रिव्यू नहीं हो सकता, क्या कोई अपील नहीं हो सकती? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चर्चा दोस्तों इस केस से छिड़ती है। मैं लास्ट में दोस्तों यही कहूंगा कि पेटीएम की ये कहानी अपने आप में बहुत रोचक है। इसका इस प्रकार का एक दुर्भाग्यपूर्ण जो अंत होता दिख रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं कहानी आगे कैसे चलती है, पर क्योंकि मुझसे रुका नहीं गया कि जनता जनार्दन से जुड़ा विषय है तो मैं जो भी अपनी सूक्ष्म बुद्धि से यहां पर समझ पाया, छोटी सी मेरी समझ है, वो आपके समक्ष मैंने रखा है। आप गुणावगुण आधार पर इस बात पर अपना स्वयं आगे बढ़ने का निष्कर्ष निकालिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।